कहा जाता है कि भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के दौरान 14 दिनों तक यहाँ पर ठहरे थे और सिमडेगा की इस धरती को पवित्र कर गए। रामरेखा धाम झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में स्थित है। इसकी दूरी सिमडेगा से लगभग 25 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ही अद्भुत है। वो आपको रामरेखा जाने के क्रम में रास्ते में बहुत ही खूबसूरत वादियों और मनोरम दृश्य का छटा देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि इसी वादियों में खो जाएं और इस सुंदर दृश्य को निहारते रहें। जब इस सुंदर वादियों को निहारते हुए आप पहाड़ों की तलहटी पर पहुंच जाएंगे तो आपको अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस धाम में बहुत ही दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिलता है। तो दोस्तों, देखिए, हम लोग रामरेखा पहाड़ पर पहुँच गए हैं और इस पहाड़ी घाटी के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छे खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं रामरेखा के मुख्य द्वार के पास। तो दोस्तों, इसी द्वार के माध्यम से अंदर जाया जाता है। तो दोस्तों, देखिए, यही रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से हम लोग रामरेखा पहाड़ की तलहटी, जहां रामरेखा, राम मंदिर और सीता माता के कुंड हैं, वहां पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से घाटी है, ये बहुत ही खतरनाक घाटी भी है। तो दोस्तों, जब भी आप जाएं इस घाटी से तो संभल कर जाएं। लेकिन दोस्तों, यहाँ खतरनाक होते हुए भी इतनी सुंदर वादियाँ हैं कि दिल को छू लेते हैं। इस पहाड़ के ऊपर अनेक अद्भुत अविश्वसनीय दृश्य आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसे भगवान के चमत्कार ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस रामरेखा धाम में बहुत से श्रद्धालु अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं और जो श्रद्धा से, जो सच्चे मन से यहाँ पर अपना इच्छा रखते हैं, उसकी इच्छा जरूर पूरा होता है। दोस्तों, देखिए, इस पहाड़, इतनी पहाड़ के ऊपर आपको एक से एक अभी अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, देखिए, हम लोग अब पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अभी हम लोग को इस पहाड़ के ऊपर रामरेखा धाम, पवित्र रामरेखा धाम को, देखिए दोस्तों, रामरेखा धाम, इतनी पहाड़ के ऊपर रामरेखा स्कूल अभी देखे, उसके अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इतने सुंदर दृश्य दिख रहे हैं कि लगता है कि दोस्तों अभी ही चल जाएं ये रामरेखा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, आपको जब भी इस रामरेखा धाम में आने का मन करे, आप कभी भी जा सकते हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा में मेला का आयोजन, भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको समय मिले तो ज़रूर इस मेले में जाइएगा और मेले का लुत्फ़ उठाइएगा। तो दोस्तों, देखिए, इस पहाड़ के ऊपर देखिए, ये रामरेखा बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ पर जो रामरेखा बाबा थे, उसका समाधि, ये स्वर्गवास के पश्चात समाधि स्थल बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको देखिए इतना अच्छा दृश्य, ऐसा लगता है यहाँ जाने के बाद कि हम जन्नत में पहुँच गए हैं। चारों तरफ पहाड़, पर्वत, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, पहाड़ के ऊपर से देखने से पूरा शहर गांव दिखता है दोस्तों यहाँ पर, इसलिए यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, देखिए, हम लोग अब इस पहाड़ी घाटी के रास्ता से रामरेखा धाम के मंदिर मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, मंदिर का मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखिए,
इस मंदिर में आपको अभी अनेक मूर्तियां और बहुत ही अच्छे दृश्य देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर गरुड़ देवता का प्रतिमा दिख रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये महाबली हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए फिर से दोस्तों इसको जूम करके दिखाया गया है, गरुड़ देवता का प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यहाँ देखिए आगे दिख रहा है गुफा के नीचे, देखिए यहाँ पर इतना अच्छा दृश्य दिख रहा है। ये दोस्तों आपको कभी भी ये यहाँ पर जा सकते हैं दोस्तों, रामरेखा धाम। ये देखिए यहाँ पर गुप्त गंगा है, गुप्त गंगा। यहाँ देखिए पहाड़ की तलहटी, इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद यहाँ पानी है दोस्तों, यहाँ के पानी कभी नहीं सूखता है दोस्तों। देखिए इसी वो गुफा है जहाँ पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान ठहरे थे दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया गया है गुफा के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये भगवान राम के चरण पादुका है दोस्तों, इसके चित्र अंकित है, देख लीजिए दोस्त, दिख रहा है दोस्तों, उतना अच्छा से नहीं दिख पा रहा है लेकिन कुछ दिख रहा है तो दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर पवित्र जल कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ का जल पहाड़ के इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद कभी नहीं सूखता है, हमेशा इसी की तरह पानी रहता है दोस्तों। और यहाँ पर जब भी आप ये रामरेखा धाम जाएं तो इस जल से स्नान करें और पवित्र हो जाएं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अग्नि कुंड है, यहाँ पर अभी भी जाने से गर्मी का एहसास होता है दोस्तों। ये अग्निकुंड देख लीजिए, ये अद्भुत जगह है जहाँ आपको जाने के बाद और ही अच्छा से देख पाएंगे। ये वीडियो में उस तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से दिखा पाएं। ये देखिए रामरेखा बाबा और देवराहा बाबा का यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। ये गुफा के अंदर का दृश्य है दोस्तों, गुफा के अंदर इतना अच्छा से बनाया गया है कि लगता नहीं है कि ये गुफा है, लेकिन ये दोस्तों ये गुफा के अंदर ही बनाया गया है, ये पहाड़ के नीचे है। देखिए ये है ये मंदिर के मुख्य भाग है दोस्तों, यहाँ पर अनेक देवी देवताओं का प्रतिमा स्थापित किया गया है। जब भी जाएं तो आप दर्शन करके ही आए दोस्तों, ये मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा। और आप सच्चे मन से जब अपना जो भावना है उसको रखिएगा, जो इच्छा है उसको रखिएगा, तो ज़रूर पूर्ण होगा दोस्तों। इसलिए जब भी जाएं आप रामरेखा धाम तो भगवान का दर्शन ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।